प्रीक भर्ती 2018 में एमबीसी वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति की मांग का मामला। अभ्यर्थियों की प्रशासन के अधिकारियों से देर रात तक चली वार्ता। मुख्यमंत्री से मिलने एवं नियुक्ति की मांग को लेकर सकारात्मक रही वार्ता। 15 घंटे बाद पानी की टंकी से रात करीब 2 बजे बाद उतरे एमबीसी वर्ग के 3 महिलाओं सहित 9 रीट अभ्यर्थी। आज गुर्जर समाज का प्रतिनिधि मंडल रीट अभ्यर्थियों के साथ जाएगा मुख्यमंत्री से मिलने जयपुर। गुर्जर नेता भूरा भगत, दीवान शेरगढ़ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल रीट अभ्यर्थियों की 372 पदों पर नियुक्ति की रखेगा मुख्य मांग। इस दौरान मौके पर सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ बयाना, उच्चिन, हलैना, गली बाजना, रुदावल, वैर थानों का पुलिस जा। मैं रीनू कुमारी रीट अभ्यर्थी 372 धौलपुर से हूँ और हम 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सभी नेताओं, मंत्रियों और सभी गणमान्य लोगों के द्वारा हमने ज्ञापन मंत्री तक पहुंचवाया था। सीएम साहब ने हमारी बात का कोई संज्ञान नहीं दिया। इस वजह से हम मजबूर होकर 4.5 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम कहीं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक रूप से पीड़ित थे। इस वजह से पहले हमने कई बार पीलूपुरा और सिकंदरा पर भी धरना दिया था और हमारे भाइयों ने करौली टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। हमें मजबूरन और हमें अपने समाज को जागरूक करने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस वजह से हमने कल कुंडा टेक बयाना पर टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं और हमारी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। सरकार ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। 4.5 साल पहले की जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उनको हमें दिया नहीं है और हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये अन्याय गुर्जर समाज के साथ ही क्यों होता है? कहीं बच्चों को 233 को निकाला जाता है, कहीं 372 को नियुक्ति नहीं दी जाती है और हम मजबूर होकर लड़कियों को आना पड़ा है। क्या करें, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, नहीं तो हमें ये कदम नहीं उठाने के लिए सरकार ने मजबूर किया है। अब किस आश्वासन को आप जो कर दिया है? हमें रात को 2 बजे हमारे समाज के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि हम आपको नियुक्ति दिलाएंगे। इस वजह से हम उतर गए हैं नीचे और हमारी मांगों को वो सीएम तक पहुँचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे और हमें न्याय दिलाएंगे।